नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज। समय हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गरीबों और असहाय लोगों को मदद करने से मिलता है सुकून। मानव सेवा ही प्रभु सेवा, जीवन देना ही जीवन है। कसरावत सहित क्षेत्र में दरिद्र नारायण सेवा ट्रस्ट सूरत वाले ने एक अलग ही मिसाल पेश कर रहे हैं। तेली बटियान में संत सियाराम बाबा के दर्शन के लिए आए सूरत के दरिद्र नारायण सेवा के भगत कसरावत नगर सहित पिपलगोन में घूम रहे दोनों गरीब असहाय व्यक्ति, जिसका कोई ना ही जो कहीं महीनों से नाहे नहीं थे। बताया जा रहा है कि पिपलगोन के गोदिया भाई 20 सालों से ऐसे ही पीड़ित थे और ऐसे ही जिंदगी जी रहे थे। कचरे के ढेर पर बैठकर जुठन खा रहे थे। उन्होंने पहले गाड़ी रोकी, पूछताछ करने पर पता चला कि उनका कोई नहीं। दरिद्र नारायण सेवा ट्रस्ट के लोगों द्वारा पहले तो सेविंग की, नहलाया, नए कपड़े पहना कर खाना खिलाया और दोनों को अपने साथ सेवा करने के लिए दरिद्र सेवा आश्रम सूरत ले गए। आइए सुनाते हैं भगत ने आगे क्या कहा। आप यहाँ कसरावत आए हैं और आपने एक मानवता की मिसाल पेश की, इसके बारे में विस्तार के बताइए। हम नमस्कार सभी कसरावत के लोगजन और सेवा साथी मित्रों, सभी के सहयोग से आज हम यहाँ से निकले थे कसरावत से। तो हम सूरत में दरिद्र नारायण सेवा ट्रस्ट के नाम से एक संस्था चला रहे हैं, जिसमें बिनवारसी निराधार पीड़ित लोग, जिनका कोई नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो पूरी ज़िंदगी बाहर घूमते हैं और उसकी ज़िंदगी काटते हैं, तो ऐसे लोगों का हमारा एक प्रयास है छोटा सा कि उनकी ज़िंदगी बदलने में हम उस प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि हम उसको नया जीवन दे सकें। तो हमारा यही प्रयास है, यही कोशिश है, मानव सेवा ही प्रभु सेवा, जीवन देना ही जीवन है, वही हमारा सूत्र है। तो वही कोशिश लेके हम यहाँ से निकले थे कसरावत से, खरगोन गए थे हम। तो हमने ये भगवान को देख लिया, दरिद्र नारायण को, तो सोचा कि हम थोड़ा सा कोशिश करके उनको भी नया जीवन दे सकते हैं। और मेरा सभी सेवा साथी मित्रों से और सभी गाँववासियों से वही निवेदन है कि आपके आसपास कोई ऐसी परिस्थिति में जी रहा है तो छोटा सा आप उसको सपोर्ट कीजिए, छोटा सा हेल्प कीजिए, ताकि उसका जीवन में बदलाव आ सके और उसको नया जीवन मिल सके। और सीआईडी न्यूज़ और शहर क्राइम टीवी न्यूज़ को मैं बहुत सादर प्रणाम से वंदन करता हूँ कि जो हमारी ये सेवा है उसको दिखाने का एक प्रयास किया है। और शायद यही प्रयास हम कहीं ऐसे दरिद्र नारायण लोग जो घूम रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, वहाँ तक हम पहुँच सकेंगे, उनकी सेवा का लाभ ले सकेंगे और उसको नया जीवन देने के लिए हम सब लोग साथ मिलकर सहयोग कर उसको नया जीवन दे सकेंगे। थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार मित्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप जी है, ऐसे ही लोग गुजरात में मुझे भगत जी से नाम से पहचानते हैं। और मैं भटियान में सियाराम बाबा के आशीर्वाद से कलेक्टर साहब से आवेदन देकर कुछ ज़मीन ले रहा हूँ सरकार श्री से, ताकि हम ऐसे कई दरिद्र लोग जिनका कोई नहीं है, उनका आधार बनने का एक प्रयास कर रहे हैं, उसको नया जीवन देने का एक प्रयास कर रहे हैं, उसका लालन पालन करना है, उसका दवाइयाँ कुछ भी उसका जो प्रॉब्लम है उनको सही करके कोई उसका परिवार मिल जाएगा तो उसको हम परिवार मिलाप भी करवा देंगे। निःशुल्क सेवा? हाँ, निःशुल्क सेवा है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और आप सभी सब सेवा साथी मित्रों का साथ सहकार मिलता रहेगा तो कहीं ऐसे दरिद्रों को हम नया जीवन दे सकते हैं। पिपलगोन से भी एक भाई को? हाँ, पिपलगोन से भी एक भाई को हमने लिया है, वो 20 साल से परेशान थे, उसके बारे में अंकल जी और संदीप जी बताए गए। पिपलगोन के भगवान के दरिद्र हमारे पिपलगोन में आए थे बाबा के दर्शन करने, इन्होंने जब वो भैया को देखा 20 साल से वो झूठन खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे, कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, उसके परिवार के रोज भी ध्यान नहीं दे रहे थे, इन्होंने आकर उसको पूरा सफाई किया, नहलाया धुलाया और अभी भी वो गाड़ी में बैठे हैं गेंदिया भाई, उनको लेकर गुजरात ले जा रहे हैं, वो आश्रम में रखेंगे। ऐसे ये भाई भी मिले कसरावत में आते वक्त, इनको भी उन्होंने इसी तरह सफाई की। ऐसे मानों को सेवा करने वाले बहुत बिरले लोग मिलते हैं, उनमें से हमारे भगत भाई हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे पिपलगोन के भाई को, कसरावत के भाई को ले जाकर और ऐसे एक मिसाल कायम की कि मानव के मानव धर्म को जिंदा रखने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल वाले भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदीप जी भी सावरिया नाश्ता पिपलगोन से ही है, उसके माता पिता और उसके माता पिता और ये संदीप भाई उसके पिताजी के आशीर्वाद से ही ये जो दरिद्र नारायण को हमने पिपलगोन से उठाया है और उनका जो सेवा की सहमति भी है, हाँ, उसके माँ बाप की सहमति से उठाया है, तो उसके बारे में संदीप जी कुछ थोड़ा बोलेंगे। उनका बहुत सहयोग रहा है मुझे यहाँ सेवा में। ये भगत जी हमको गुजरात से मिले थे, 2-3 महीने से आए हैं और जो भी ऐसे दरिद्र लोग और जो भी होते हैं असहाय लोग, उनकी सेवा के बारे में उन्होंने बताया तो मेरी भी इच्छा हुई कि नहीं, इनकी मदद करनी चाहिए और इनको जो भी हमारे से प्रयास हो रहा है वो हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।
इस खबर में बस इतना ही, बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।